हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ बन रहे हैं मेरे आज कढ़ी चावल। तो आज मैं थोड़ी सी कढ़ी चावल की रेसिपी शेयर करूँगी अपने तरीके से कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। वैसे सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, कढ़ी चावल तो सभी को आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं आते। हाउस वाइफ हैं उनको सबको ही आता होगा, बस तरीका थोड़ा अलग अलग होता है सबका बनाने का। और यहाँ पर केशव आया है कि लड्डू दे दो, ये कल बनाए थे मैंने बेसन के लड्डू, इसकी रेसिपी शेयर नहीं की मैंने क्योंकि थोड़ा जल्दी में भी बनाए थे और कल थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो ऊपर ही मन से बनाए थे वो तो मैंने। केशव बहुत पीछे पड़ा था कि लड्डू बनाओ इसीलिए। और यहाँ मैंने अच्छे से अपना बेसन जो है छान लिया और इसी में से निकाल लूँगी कढ़ी के लिए बेसन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पकौड़े के लिए बेसन जो है घोल बना के रखूँगी। अगर पकौड़े के लिए घोल हम पहले से बना के रखते हैं करीबन 10 से 15 मिनट पहले और तो बहुत अच्छे पकौड़े बनके तैयार होते हैं एकदम मुलायम से। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च, आपकी इच्छा है आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मैंने घोल दिया है बेसन पकौड़ों के लिए, तो इसमें आप खाना सोडा ना डालें। कई लोग क्या करते हैं पकौड़ियों को फुलाने के लिए खाना सोडा का यूज़ करते हैं जो कि वो टेस्टी नहीं बनती। अगर इस तरीके से बनाओगे तो थोड़ा अच्छा तरीके से मतलब फूल जाएंगी वो। और अचानक से मतलब दाल चावल की डिमांड हुई थी तो फिर मैंने दही जमाया भी नहीं था, तो पैकेट वाला मैंने मट्ठा मंगाया था और दो पैकेट वाले मट्ठे मंगाए थे नॉर्मल वाले, और 10 रुपए का मैंने मंगाया था यहाँ पर मतलब सपरेटा दही। सपरेटा का मतलब ये होता है कि खट्टा होता है एकदम, तो दोनों मिक्स करके बनाऊँगी तो कढ़ी का टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और कढ़ी में थोड़ा सा खट्टापन ना आए तो फिर कढ़ी कैसी, थोड़ी सी हल्की सी खट्टापन तो आना ही चाहिए, बिल्कुल खट्टी भी नहीं अच्छी लगती और बिल्कुल नॉर्मल जो होती है एकदम बिना खट्टी वो भी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, उसको एक मट्ठे की थैली जो पैकेट था उसको फाड़ के दही में मिक्स किया मैंने और अच्छे से फैट लिया। फिर मुझे लगा कि ये कम पड़ेगा तो मैंने फिर क्या किया कि दोनों पैकेट डाल लिए उसमें, तो अब ठीक बन जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए थे ये घोल रखे हुए पकौड़े के, तो इसको अच्छे से थोड़ा फैट लूँगी मैं अच्छे तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी। और यहाँ पे रख दूँगी मैं कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दूँगी सरसों का तेल। तो पकौड़ों के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ सरसों का तेल, रिफाइंड का यूज़ नहीं करती क्योंकि कढ़ी में मैं इसी में छौंक दूँगी डायरेक्ट, पहले बनाती हूँ पकौड़े उसके बाद छौंक देती हूँ कढ़ी। और मेरे यहाँ ससुराल में क्या होता है कि पहले कढ़ी रख देते हैं मतलब उबलने के लिए, बाद में तड़का लगता है और फिर पकौड़े भी बाद में सिकते हैं मतलब फ्राई होते हैं और तड़का भी लास्ट में लगेगा जब कढ़ी बन जाएगी जब पर। लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से मेरे मायके में बनती है और मुझे वही टेस्ट अच्छा लगता है। और चावल भी मेरे यहाँ पे फूल चुके थे तो चावल का पानी निकाल के उनको अच्छे से धोकर दूसरा पानी भर दूँगी मैं उसमें, ताकि बनाऊँगी तो बस निकालना रह जाएगा पानी। और यहाँ पर मेरे हो गया है तेल गर्म, तो क्या करूँगी हाथों से, आप मतलब चम्मच से डाल लो लेकिन जितने अच्छे तरीके से हाथों से डलती हैं पकौड़ी उतना चम्मचों से नहीं डल पाती, तो मैंने हाथों से डाला है बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाली हैं। छोटी छोटी इसलिए डाली है क्योंकि फिर ये बाद में कढ़ी में जाकर पता है फूल के बहुत बड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ फिर अच्छी नहीं लगती, बच्चे भी नहीं खाते। और ये डिमांड कहाँ से आई है, ये आई है जो टिफ़िन जाते हैं बाहर, मतलब बाहर जो टिफ़िन जाते हैं उन्होंने बोला था आज कढ़ी चावल के लिए, तो चलो मैंने कहा कढ़ी चावल ही बना देंगे। और यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ जो है सिक चुकी है अच्छे तरीके से, तो ये देखिए, और ज़्यादा मतलब ड्राई ना करें इसको, मतलब ज़्यादा जो होती है ना ज़्यादा ना सीखे इसको, हल्का हल्का बस सुनहरे से रहने दो तो फिर सही ही बन जाती हैं वो। और यहाँ मैंने देखना छोटे छोटे डाले हैं, आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े ना डाले हैं। तो पकौड़ियाँ तो मेरी डल चुकी हैं, अब मैं उसी भगोने में क्या करूँगी, जो बेसन था मेरा मैंने निकाला था अलग से कटोरी में, उसी में घोल बना लूँगी कढ़ी के लिए। तो मैं घोल किस तरीके से बनाती हूँ ये ध्यान से देखना आप लोग, गुल्ठे आने पड़ेंगे इससे, बहुत लोगों के क्या होता है बेसन के गुल्ठे पड़ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा मट्ठा डाला है, बहुत थोड़ा सा, जैसे हम बेसन के पकौड़े घोल बनाते हैं ना उस तरीके से डाला है और अच्छे से फेंटा है। अच्छे से फेंटने के बाद मैंने थोड़ा सा और मट्ठा डाला है इसमें, अब आप जितना डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये देखिए, तो बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, गुल्ठे नहीं पड़ेंगे, आप देख सकते हो। फिर मैं क्या करूँगी रई की सहायता से क्या करूँगी उसको अच्छे से फैट लूँगी, रई से फैटने के बाद जो होते हैं थोड़े बहुत वो भी फूट जाते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल गुल्ठे तो नहीं पड़े हैं ना। आप लोग इस तरीके से घोल बनाना तो गुल्ठे बिल्कुल नहीं पड़ते, बहुत लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट डाल देते हैं उसमें गुल्ठे पड़ जाते हैं,
तो यहाँ पे मैंने तेल मुझे लगा के थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच जो था निकाल लिया था। फिर इसी तेल में मैं क्या करूँगी, अपने चावल जो है छौंक दूँगी, और चावल मुझे छुके हुए अच्छे लगते तो इसी तेल में छौंक दूँगी। और मैंने कढ़ी के लिए क्या लिया, 2 साबुत लाल मिर्च, जीरा, हींग, थोड़ा सा साबुत धनिया। और साबुत धनिया मैं इतना डालती हूँ कि कढ़ी में महसूस भी ना हो डला है कि नहीं डला, बस स्वाद का अकॉर्डिंग डालती हूँ, बस स्वाद लगे उसका, बस खुशबू सी हो जाए तो उस हिसाब से डालती हूँ। इतना सारा भी नहीं डालती कि मुँह में आए, बच्चे भी ना खाए, फिर हमको भी ना अच्छा लगे, नॉर्मल डालती हूँ बस मैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना जो बेसन का घुला हुआ था घोल, और पानी डाल दिया है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब गाढ़ी रहेगी तो मुझे अलग बर्तन में और निकालनी पड़ेगी कढ़ी को। फिर इसके अंदर डाल दिया है मैंने हल्दी और लाल मिर्च, आप लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, फिर नहीं डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कैसी लगी आपको मेरी कढ़ी की रेसिपी, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी जो नई नई वीडियो है वो आपके पास आती रहेंगी। अब दूसरी गैस पर रख दूँगी अपनी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी में थोड़ा टाइम लगता है खदकने में। और यहाँ पे मैं छौंक दूँगी चावल अपने साथ के साथ, तो चावल भी बनते रहेंगे। तो मैंने 2 बर्तन में कढ़ी कर दी अपनी, ताकि अच्छे तरीके से खदक जाए, निकले ना बाहर, क्योंकि उफन जाती है कढ़ी अगर ज़्यादा ऊपर तक हो ना, फिर मेरे लिए नीट हो जाएगी, नहीं तो फिर उससे अच्छा है कि पहले ही 2 बर्तन में कर दो, और मतलब मेरे लिए ज़्यादा काम ना बढ़े, बस बर्तन साफ़ करने का ही तो हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं उससे। तो और यहाँ आ गई हूँ मैं कमरे में, उधर चावल छौंक कर कढ़ी रख के आटा लगा के, आटा थोड़ा फूल जाएगा, सेट हो जाएगा, तो मैंने कहा कि जब तक अपना कमरा सेट करके आती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगानी है मुझे। और इसमें मैंने कल रात को सिकाई की थी, थोड़ी कमर में दर्द था और पेट में भी दर्द था, तो मैंने सिकाई की थी तो उसमें पानी भरा रखा रह गया, तो उसको फैला के मैंने पानी को इसको रख दूँगा उठाकर। और आज मैंने बेड शीट चेंज की थी, और पता है बेड शीट चेंज की थी, और अब क्या होता है गर्मियों में तो कपड़ों में पता है चिंगारियाँ से चिटर पिटर से निकलती है, और करंट सा भी लगता है, ऐसा होता है ना गर्मियों में, हर कपड़ों में ऐसा होता है। तो मैंने अभी जब बेड शीट उठाई थी ना, तो वही चिटर पिटर और करंट सा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू सेट करके अपना मतलब काम करने के बाद कमरा सेट हो जाएगा, फिर रोटियाँ सेक लाऊँगी जाकर, रोटियाँ भी सेकनी है, टिफ़िन भी पैक करने हैं, अभी तो बहुत काम पड़े हैं। और उधर बैग भी मैंने कल काटे थे परसों सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी रोटी वोटी सब हो चुकी है, तो चलिए फिर आप सभी खाना खा लीजिए। कढ़ी है, चावल है, सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी आलू की कचौड़ी, कल का भरता रखा था तो वही भर दी थी। ओके, सब कैसा खा रहा है, और रोटी है, तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म। तो हो चुकी हूँ मैं फ्री, खाना पीना सब खा लिया है मैंने, और खाना मैंने सबसे पहले खाया, उसके बाद बर्तन साफ किए और कपड़े वपड़े डाले कमरे के अंदर। वैसे पहले क्या करती थी, सारा काम ख़त्म करने के बाद खाना खाती थी। एक आदत मेरे अंदर इतनी गंदी है, बहुत ही ज़्यादा एक आदत है ना, वो सुधारने चली हूँ मैं उसे, देखते हैं सुधरती है कि नहीं सुधरती। वैसे तो अपने ऊपर होता है कंट्रोल, अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना चाहे तो कुछ भी नहीं। तो कोशिश कर रही हूँ मैं सुधारने की, मतलब खाना खा के मैं क्या करती थी पहले कि खाना खा के लेट जाती थी, क्योंकि बहुत गंदी आदत है, बेकार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही मतलब बेकार होता है अपने शरीर के लिए। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा मैं अभी अभी काम वाम सारा निपटा के किचन के मैंने बर्तन साफ़ किए और अलमारी में लगा भी दिए। अलमारी में लगाने के बाद अपने कपड़े वपड़े डाले, आपको दिख रहा होगा है ना, कपड़े डल चुके हैं कमरे में। और टाइम अभी बता दो तो 1:15 बज रहा है दोपहर के। तो अब करूँगी मैं सिलाई, तो लेटना अभी भी नहीं है मुझे, क्योंकि कल पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो सिलाई करनी है मुझे, बैग वगैरह सिलने हैं। तो इसकी जो
बैग की जो सिलाई की वो जो है क्या बोलते हैं वीडियो में बनाऊंगी, कोशिश करूंगी बनाने की, आप सबके साथ भी शेयर करूंगी कैसा बैग बनाया है मैंने। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, और तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ मैं, फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।